गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर्स टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जो कि जो टॉपिक होंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, बुक्स और ऑथर्स पर हम डिस्कस करेंगे जो अभी करेंटली रिलीज हुए हैं। बायरियस इंडेक्स जो है, इसमें इंडिया का रैंक और टॉप पे कौन है, सारे डिस्कस करेंगे। अब इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट जो हुआ करेंट में वो डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट डेज और इसके थीम क्या है वो भी, मिलिट्री एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो वे सारे करंट अफेयर्स में आज हम लोग कवर करेंगे। तो जैसा देख सकते हैं आप, तो सबसे पहले हमारे चैनल का स्टडी मनी प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करिएगा। अब प्लीज़ अपना कॉमेंट जरूर, अपना फीडबैक दीजिए आपको कैसा वीडियो लगा। डेफिनेटली आपको इस लेक्चर के बाद बहुत सारे जो करंट के टॉपिक जो अवार्ड हैं रिलेटेड हुए क्वेश्चन बनते हैं, तो एग्ज़ाम में आएंगे ही ये सारे क्वेश्चन अधिकतर। क्योंकि आज के बुक्स ऑथर रैंक जो है, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज डेज अपॉइंटमेंट, इन्हीं सबसे टॉपिक जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अभी एग्ज़ाम भी होने वाले, बीपीएससी के लिए, जेपीएससी हो गया, एसएससी जेई के लिए और एनी अदर एग्जामिनेशन, सब के लिए इम्पोर्टेंट हो गया होगा। तो अच्छे से देखिए ये कंप्लीट लेक्चर। तो हम लोग देखते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाले। तो ये देखिए, सबसे फर्स्ट जो है मैं लिया हूँ नोबेल प्राइज जो 2019 में किसको किसको मिला हुआ है, तो देख लीजिए किस किसे मिला है। तो फर्स्ट जो है लिटरेचर में जो है नोबेल प्राइज मिला है पीटर हैंडके को मिला है, ठीक है, याद रखिएगा, लिटरेचर में पीटर हैंडके को मिला है। केमिस्ट्री में आकिरा योशिनो, एम स्टैनले विटिंगम, जॉन गुडिनफ, वो तीनों को मिले हैं। तो आपको लास्ट वाले नाम याद रखने, जिससे याद हो, योशिनो, विटिंगम और गुडिनफ, केमिस्ट्री में इन तीनों को मिला है। फिजिक्स में देख लीजिए किसे मिला है, जिम पेबल्स, माइकल मेयर, डिडियर क्वेलोज। तो वैसे ही लास्ट का आप याद रखें या फर्स्ट का याद रखें, लेकिन आपको अपने तरीके से इसको याद रखना है। पेवल्स, मेयर, क्योलोज याद रखिए फिजिक्स में। इकोनॉमिक्स में मिला है माइकल क्रेमर, अभिजीत बनर्जी, एस्टल डोफ्लो। तो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार जो अभिजीत बनर्जी को भी इकोनॉमिक्स के लिए मिला जो कि भारतीय मूल के हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और पीस में नोबेल प्राइज मिला है अवे अहमद को, अवे अहमद जो है, ठीक है ना, तो वो प्रधानमंत्री हैं इथियोपिया के, उन्हीं को मिला है पीस के लिए अवे अहमद को। तो याद रखिएगा नोबेल प्राइज 2019 बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो देख लीजिए अच्छे से। देखिए अब फैक्ट्स डिस्कस करते हैं, फैक्ट्स रिलेटेड टू नोबेल प्राइज। तो देखिए, भारत की तरफ से रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, लिटरेचर के फील्ड में मिला था 1913 में। फर्स्ट नोबेल प्राइज इंडिया को मिला था जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। उनका लिटरेचर कौन था, गीतांजलि के लिए उनको रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था, ठीक ना, लिटरेचर में दिया गया था। अब वो फर्स्ट इंडियन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। फिर इसके बाद देखिए सी वी रमन को 1930 में मिला था, फिजिक्स के फील्ड में मिला था। अमर्त्य सेन को मिला था, इकोनॉमिक्स के फील्ड में मिला था। और फर्स्ट इंडियन जो थे जिन्हें इकोनॉमिक्स मिला था, सी वी रमन को फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें फिजिक्स मिला था 1930 में, तो याद रखिएगा। एक और नाम है जो कैरन ओहलेनबेक, तो वो जो है उनके अवेल प्राइज मिला है 2019 का मिला है। अवेल प्राइज क्या होता है, जो कि हाईएस्ट प्राइज होता है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि दिया गया कैरन ओहलेनबेक का, वो नोबेल पुरस्कार कहा जाता है मैथमेटिक्स का। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, रमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है। वैसे ये है मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार कहा था एवेल प्राइज को, तो जो मिला है कैन ओहलेनबेक को, जो 2019 के लिए दिया गया है। तो देखिए अच्छे से, अब चलते हैं नेक्स्ट है ऑस्कर।
और नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कब से हुआ, कब से दिया जाए, शुरुआत कब से हुआ, तो 1901 से, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ऑस्कर देखते हैं 2019 में किसे मिला है, तो देखते हैं। तो ऑस्कर जो मिला है बेस्ट मूवी का अवार्ड जो मिला है पारासाइट को मिला है, याद रखिएगा। बेस्ट मूवी पारासाइट हो गया। बेस्ट एक्टर जो है जोकिन फोनिक्स मिला है, जो कि जोकर फिल्म के हैं, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, बहुत फेमस हो गए इस फिल्म से, याद रखिए। बेस्ट मूवी पारासाइट, बेस्ट एक्टर जोकिन फोनिक्स, जो कि जोकर फिल्म के लिए उन्हें मिला था। बेस्ट एक्ट्रेस को ना रेंजी जेलवेगर। बेस्ट फॉरेन फिल्म भी पारासाइट है, तो याद रखना इजी हो गया आपके लिए यार। बेस्ट मूवी और बेस्ट फॉरेन फिल्म दोनों पारासाइट को दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बेस्ट डायरेक्टर किसे दिया गया है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला गया, दिया गया है बोंग जून हो को पारासाइट के लिए, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बोंग जून हो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। अब देखिए नरेंद्र मोदी के बारे में थोड़ा देखिए, बहुत फेमस है क्योंकि उन्हें उन्हें बहुत सारा अवार्ड मिला गया, डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा दिया गया है, क्योंकि अपना कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है बहुत सारे देश के द्वारा, तो ये देख लीजिए कैसे है। तो हिंदी इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में यहाँ दिया हुआ है पीडीएफ में, आपको स्लाइड में आपको इंग्लिश में, मैं हिंदी में रीड कर रहा हूँ, तो इतना कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए ऑडिबल होगा ये। तो देखते हैं नरेंद्र मोदी जी को कौन कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो रसिया दिया है अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो दिया गया, ऑर्डर ऑफ संत एंड्रू, 1 मिनट, ऑर्डर ऑफ संत एंड्रू द अपोस्टल, ये रूस दिया है नरेंद्र मोदी को। यूएई दिया, ऑर्डर ऑफ जायद दिया है। सियोल प्राइज, पीस प्राइज कौन दिया, दक्षिण कोरिया दिया है 2018 का, वो भी नरेंद्र मोदी को मिला है। कौन दिया है, तो साउथ कोरिया दिया है, ठीक है, ध्यान रखिए। और यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी मिला, यूएन दिया है, ठीक है ना, अर्थ अवार्ड मिला है नरेंद्र मोदी को, क्योंकि इन्वायरमेंट के बहुत सारे कदम उठाए, जैसे इंटरनेशनल सोलर एलियंस के भी स्थापना किया गया, ठीक है ना, ये मोदी और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री थे यून मैक्रोन, राष्ट्रपति जो थे यून मैक्रोन, इन दोनों के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल सोलर एलियंस का, तो वो है गुरुग्राम में, याद रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर एलियंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। अभी बहुत सारे मेंबर इसमें ऐड हो गए हैं, तो वो भी देख लीजिए कौन से मेंबर कितने नंबर पे ऐड हुए हैं, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं, यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है मोदी जी को मिला है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है एक अवार्ड दिया, ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड, तो यहाँ देखिए पूछा था ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड कौन सा फाउंडेशन देता है, तो वो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो बिल गेट्स और इनकी वाइफ जो है मिलिंडा, उनके नाम पे यह फाउंडेशन है, उनके द्वारा दिया गया ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड, जो कि मोदी जी को दिया गया है। और देखिए मालदीव ने भी एक अवार्ड दिया है, ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजुद्दीन, तो याद रखिए ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजुद्दीन दिया गया है। पैलेस्टाइन दिया ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। अफगानिस्तान दिया आमिर अब्दुल्ला खान अवार्ड दिया है, ठीक है, आमिर अब्दुल्ला खान अवार्ड दिया है, ठीक है, याद रखिए अफगानिस्तान। तो भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, खासकर जब से पाकिस्तान अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा शुरू से ही बनता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक स्लाइड में आप स्लाइड ले सकते हैं। नेक्स्ट रामनाथ कोविंद, देखिए रामनाथ कोविंद को कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो रामनाथ कोविंद को जो है क्रोशिया का अवार्ड दिया गया, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द तामिसलेव अवार्ड,
ठीक है, रामनाथ कोविंद को अवार्ड दिया गया है, क्रोएशिया का अवार्ड दिया है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द किंग तमिसलाव बोलिविया दिया है, ऑर्डर ऑफ द कॉन्डर ऑफ द एंडीज गुइना दिया है, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, याद रखिए ये तीनों रामनाथ कोविंद को मिले हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं। तीन अवार्ड में दिया, क्रोएशिया बोलिविया गुइनिया। याद रखिए क्रोएशिया किसको कौन सा अवार्ड दिया, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग तमिसलाव बोलिविया दिया, ऑर्डर ऑफ द एंडीज गुइना दिया, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारत रत्न किसे मिला गया है, तो भारत रत्न जो दिया गया तीन लोगों को दिया गया है, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। ठीक है, प्रणब मुखर्जी हमारे पूर्व राष्ट्र प्रेसिडेंट हैं, जो कि कांग्रेस से थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। भूपेन हजारिका जो है, उनके नाम पे एक ब्रिज का नाम भी रखा गया था, जिसका नाम चेंज हो गया, वो एक म्यूजिशियन थे भूपेन हजारिका। नानाजी देशमुख जो थे सोशल एक्टिविस्ट थे। ठीक है, याद रखिएगा कौन से फील्ड में, नानाजी देशमुख सोशल एक्टिविस्ट थे, भूपेन हजारिका म्यूजिशियन थे। नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न 2019 में किसे मिला गया, तो ये दिया गया दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को मिला गया है। ठीक है, याद रखिएगा दीपा मलिक और बजरंग पुनिया। तो दीपा मलिक जो है ये पैरालंपिक्स में गोल्ड जीती थी। ठीक है, शॉट पुट में, ठीक है ना, शॉट पुट में। बजरंग पुनिया रेसलर है, रेसलिंग करते हैं, जो कि 65 kg में लेते हैं, बहुत सारे गोल्ड लाए हैं, उनसे बहुत सारी उम्मीद है कि ओलंपिक में इस बार जो 2020 में होने वाले टोक्यो में, तो उम्मीद है कि गोल्ड वहाँ भी जीतेंगे, क्योंकि बहुत सारे गोल्ड उन्होंने जीता है भारत के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बजरंग पुनिया रेसलिंग से आते हैं, दीपा मलिक शॉटपुट से, जो कि पैरालंपिक गेम में पार्टिसिपेट करती है, तो वो भी याद रखिएगा। अभी अभी दीपा मलिक को एक ब्रांड एम्बेसडर सर बनाया गया है, वो देख लीजिए, अभी मुझे करेंट भी कहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल ब्यूटी पिगमेंट्स, तो ये देखिए वो सारे जो है दिया हुआ है। अब कौन सा अवार्ड किसे दिया गया वो देखिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस वर्ल्ड टोनी आंसिंग को दिया गया है, याद रखिए मिस वर्ल्ड टोनी आंसिंग को दिया। मिस यूनिवर्स जोजीविन टुंजी को दिया गया है, मिस अर्थ के उन्हें नेलिज पिमेंटल को दिया गया है। ठीक है, मिस अर्थ, और मिस इंडिया कौन है, सुमन राव, याद रखिएगा। ठीक है, मिस वर्ल्ड कौन है, टोनी आंसिंग। ठीक है, मिस यूनिवर्स है जोजीबिनी टुंजी, मिस अर्थ है नेलिस पिमेंटल, मिस इंडिया है सुमन राव। जो मिस इंडिया होती है वही पार्टिसिपेट करती है मिस वर्ल्ड के क्विज में हर एक कंट्री से। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज और मैन बुकर प्राइज, ये देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो है, इंटरनेशनल है ये, जोका अल हारिथी को मिला है, किस बुक के लिए, सेलेस्टियल बॉडीज के लिए, जोका अल हारिथी को मिला है। ठीक है, अब मैन बुकर प्राइज अगर से बोले, याद रखिए डिफरेंस का, ये इंटरनेशनल प्राइज है ये, जो कि जोका अल हारिथी को दिया गया सेलेस्टियल बॉडीज के लिए। अब बुकर प्राइज जो है सिर्फ वो दो लोगों को दिया गया, मार्गेट एटवुड को दिया गया द टेस्टमेंट्स के लिए, अब बर्नार्डी एवेरिस्टो को दिया गया गर्ल ओमेन अदर के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 में ए नंबूथिरी को मिला गया ज्ञानपीठ अवार्ड, जो कि मलयालम भाषा के लिए दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 में किसे दिया गया, ए नंबूथिरी। व्यास सम्मान 2019 में ये दिया गया किसे, नासिदा शर्मा को, कागज की नाव के लिए, 2019 के लिए, याद रखिएगा। व्यास सम्मान 2019 में दिया गया है नासिदा शर्मा को, कागज की नाव के लिए, और ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 में दिया गया ए नंबूथिरी को दिया गया।
अब दादा साहेब फाल्के अवार्ड इम्पोर्टेंट है, इधर जेपीएससी यही के जो प्रीलिम एग्जाम है इसमें ये पूछा गया था। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया अमिताभ बच्चन को दिया गया है, बहुत फेमस है वो, ठीक है 2019 का। अगर 2018 का अगर पूछे तो विनोद खन्ना को दिया गया है, विनोद खन्ना को, ठीक है याद रखिएगा। 2018 में विनोद खन्ना को दिया गया है, 2019 में अमिताभ बच्चन को, याद रखिए। ईयर वाइज भी पूछ देता है, अगर कहीं 2018 होगा तो विनोद खन्ना मारेगा, 2019 है तो अमिताभ बच्चन, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और दादा साहब फाल्के अवार्ड सबसे पहले किसे दिया गया था, तो ये भी पूरा क्वेश्चन बन सकता है, तो वो है देविका रानी को दिया गया था, देविका रानी को दिया गया था दादा साहेब फाल्के अवार्ड सबसे पहले। महात्मा गांधी पीस प्राइज किससे मिला था, योही ससाकावा को मिला गया, महात्मा गांधी पीस प्राइज योही ससाकावा को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी पीस प्राइज डेविड अटेनबरो को मिला गया है, यार महात्मा गांधी पीस प्राइज जो है यो ही ससाकावा को दिया गया है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है डेविड अटेनबरो को, याद रखिएगा। अब देखते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हेडक्वार्टर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, किसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं। देखिए देखते हैं, तो गाइज अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, बोलिए देखने के लिए, अच्छा एग्जामिन के लिए बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए। तो पीडीएफ भी आपको मिला हुआ है, पीडीएफ चाहे कमेंट कर दीजिएगा, या मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी मनिया प्लेटफॉर्म पे जाकर आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे मैसेज करिए, आपको सब कुछ पीडीएफ जो भी चाहिए इस वीडियो का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। याद रखिए जो अपना ये है स्टडी मनिया प्लेटफॉर्म उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। जो भी मतलब आपको अच्छा लगे ख़राब हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वैसा कोई उसे नहीं है। तो देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके हेडक्वार्टर कहाँ है। तो फर्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में चाइना में है। क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि इससे पहले ब्रिक्स बैंक कहा जाता था उसका नाम चेंज हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक किया गया। इसका इस्टेब्लिश कहाँ हुआ, 2014 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर है संघाई में, ठीक है ध्यान रखिएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर संघाई में है जो वो भी चाइना में है, ठीक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का बीजिंग में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का पूछा, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फिलीपींस में है, मंडालियोंग, ठीक है ना याद रखिए, फिलीपींस में है एशियन डेवलपमेंट। न्यू डेवलपमेंट बैंक इम्पोर्टेंट है, संघाई में, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का याद रखिए साथ, वाशिंगटन DC हेडक्वार्टर, ठीक है। IMF और वर्ल्ड बैंक का याद रखिए एक साथ, वाशिंगटन DC है। अब UNO का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क USA में है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उसका भी न्यूयॉर्क में है, तो वो याद रखिएगा। UNO और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसका भी न्यूयॉर्क में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क है, ठीक है। किसका किसका न्यूयॉर्क होगा याद है आपको, UNO, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनिसेफ, तीनों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, ठीक है ये हो गया। अब नेक्स्ट है अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका जेनेवा है। अंकटाड का कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका भी जेनेवा है। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसका भी जेनेवा स्विट्जरलैंड है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका भी जेनेवा स्विट्जरलैंड है। तो जेनेवा बहुत सारे के हेडक्वार्टर हैं, जैसे इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हमेशा एक मीटिंग होता है जो कि हमेशा दावोस में होता है, ठीक है याद रखिएगा, जो स्विट्जरलैंड में है, एक दावोस जगह है वहीं पे होता है हर एक साल, जो इस साल भी इसका मीटिंग वहीं दावोस में हुआ था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग।
जो कि हमारे इंडियन के एक बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, भुवन बाम। उन्हें भी मतलब ऑफ़र मिला था वहाँ पे जाके ज्वाइन करने के लिए कि मतलब इसके बारे में कुछ बता सके। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा जिनेवा में है, अंगटाड का जिनेवा में है, ठीक है ना, याद रखिए अंगटाड के न्यूयॉर्क मत मारिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स, देखिए बुक्स एंड ऑथर्स देखते हैं। देखिए स्लाइड आपको ये दे दिए हैं, अगर लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं जूम कर रहा हूँ कि आपको परेशानी ना हो देखने में। चलिए देखते हैं बुक्स। फ्रॉम पोजिशन टू फ्रीडम, आर उमा महेश्वरी के द्वारा लिखा हो गया है, याद रखिए आप फ्रॉम पोजिशन टू फ्रीडम, आर उमा महेश्वरी ऑथर हैं इसके। श्री देवी गर्ल वोमेन सुपरस्टार, वो लिखा है सत्यास नायक ने लिखा था। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेम्बर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ, तो वो किसने लिखा, एडमायर सुशील कुमार ने लिखा था। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेम्बर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ, एडमायर सुशील कुमार। श्री देवी गर्ल वोमेन सुपरस्टार कौन लिखा था, सत्यास नायक जी ने लिखा था। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन, तो वो है नवीन चावला जो कि पूर्व इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे नवीन चावला ने जी ने लिखा है। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियन इलेक्शन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है। ये प्राइम मिनिस्टर मेमोरीज ऑफ मिलिट्री चीफ, एडमायर सुशील कुमार, श्री देवी, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए द थर्ड पिलर किसने दिया था, रघुराम राजन जी ने लिखा है, ठीक है। थर्ड पिलर रघुराम राजन। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी जो कि क्रिकेटर पाकिस्तान के, जो कि ऑलराउंडर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर थे और डेंजरस भी। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, अनुपम खेर, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, अनुपम खेर जी ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वेरियस इंडेक्स रैंक्स, तो गाइज इंडेक्स देखने पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो स्टडी मैनेजर प्लेटफॉर्म पर है उस पर सेल के बहुत सारे लेक्चर हैं, जीके जीएस के भी वीडियोज हैं, आप लोग देख सकते हैं फॉर जनरल जीएस के पेपर के लिए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी क्वेश्चन वीडियो मैंने पहले ही 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, और 100 क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2019-20 तक का, तो आप लोग ये भी देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो देखने के बाद पीडीएफ तो ठीक है आप लोग देख सकते हैं, लेकिन वीडियो भी दोबारा देख लीजिएगा, इससे आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है तो वो भी आपको बहुत फायदेमंद होंगे। पीडीएफ तो है ही जो है, इसीलिए वीडियो भी देखना जरूरी है। ओके चलिए देखते हैं वेरियस इंडेक्स, बात करें कि कितना है। तो चलिए ग्लोबल इंडेक्स 2019, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में बात करेंगे जो 68 है। ग्लोबल पीस इसमें टॉप पर कौन है, सिंगापुर है, याद रखिए कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 68 रैंक है और टॉप पे सिंगापुर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 141 रैंक है भारत का, आइसलैंड टॉप पे है। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 140 रैंक है, नॉर्वे टॉप पे है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत रैंक 80 है, डेनमार्क न्यूजीलैंड जो है करप्शन फ्री है अप्रॉक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बात करेंगे 129 है, ठीक है ना, नॉर्वे टॉप पे है ह्यूमन डेवलपमेंट में। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, हैप्पीनेस रिपोर्ट में 140 है और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में याद रखिए दोनों में 140 है, तो आपको इजी होगा रैंक याद रखना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 140 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102 रैंक है, बेलारूस इस पर टॉप है। मतलब बात करें और ख़राब हो गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो पिछले बार 103 था, इस बार 102 हो गया बात करें।
तो नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। ठीक है चलिए देखते हैं कौन अभी क्या है। तो फर्स्ट हैं देखते हैं नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, कौन है ये तो सभी को पता होगा। नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे पीएम हैं वो पीएम ही होते हैं हमेशा नीति आयोग के चेयरमैन। और वाइस चेयरमैन जो नीति आयोग के होते हैं राजीव कुमार जी हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ कांत है। लोकपाल अभी अभी जो बने बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए पीसी घोष, अभी ना पहला लोकपाल कौन है बने हैं पीसी घोष। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोड़ा जी हैं। ठीक है और चीफ जस्टिस कौन है, एस ए बोबड़े हैं जो कि 47th चीफ जस्टिस है। यहाँ रखिए कितने नंबर के हैं, 47th चीफ, 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये। ठीक है तो ये भी याद रखिएगा, एस ए बोबड़े जो हैं 47th चीफ जस्टिस हैं इंडिया के। आरबीआई के गवर्नर कौन हैं, शक्तिकांत दास जी हैं, याद रखिएगा। चलिए अभी देखें नेवन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी कौन है, यह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं जो कि नए अपॉइंटमेंट हुआ है क्योंकि बिपिन रावत जो है इनको प्रमोट करके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया जनरल बिपिन रावत को, तो वो वैकेंट हुआ तो इसलिए अब आर्मी स्टाफ के चीफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है याद रखिएगा जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जो है आर्मी स्टाफ का चीफ है। नेवी के स्टाफ कौन है, जन एडमायरल करमबीर सिंह। ये जनरल लगता है आर्मी के स्टाफ के लिए, नेवी के लिए एडमायरल लगता है। एयर स्टाफ के चीफ के लिए जो है एयर चीफ मार्शल आर के सिंह भदौरिया जो है एयर चीफ मार्शल है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि नया पोस्ट बनाया गया जो तीनों का हेड होगा वो है जनरल बिपिन रावत जी हैं, ये इंपॉर्टेंट है तो देख लीजिएगा। सॉलिसिटर जनरल है कौन है, यूपीएससी वाले तो इनको याद है तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है इंडिया के। अभी कम कैग कौन है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग है राजीव महर्षि। अटॉर्नी जनरल इंडिया के हैं के वेणुगोपाल, ये भी याद है अटॉर्नी जनरल है कौन है के वेणुगोपाल। तो उनका काम क्या होता है कि वो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कहीं भी वो केस से लड़ सकते हैं, वो कोई भी संसद में जाकर अपना बात रख सकते हैं अटॉर्नी जनरल जो है इंडिया के। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, अजीत डोभाल है। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, जी सतीश रेड्डी है। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी है। यूपीएससी के चेयरमैन अरविंद सक्सेना। सीबीआई के चेयरमैन है ऋषि कुमार शुक्ला। ये याद रखिएगा थोड़ा बहुत न्यूज में था इधर कि चेयरमैन के बहुत सारे फर्जी फर्जी मतलब वो कह सकते हैं कि मतलब अंदर में ही मतलब कुछ सही नहीं था जो कि चेंज भी हुआ 2 बार 3 बार। तो अभी सीबीआई के चेयरमैन कौन है, ऋषि कुमार शुक्ला। ज़्यादा आईबी के कोई अधिकारी था जिन्हें क्या नाम था भूल रहा हूँ, जो हत्या कर दी जो दंगा हुआ था दिल्ली में। बाद के चेयरमैन कौन है, अजीत कुमार मोहंती जी हैं, याद रखिएगा। सीबीआई के राजीव कुमार शुक्ला है, बाद के चेयरमैन अजीत कुमार मोहंती। इम्पोर्टेंट डेज और थीम्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है 5 सितंबर को जो है नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है जो कि डॉक्टर राधा कृष्णन बर्थडे संस्कृत डे। अच्छा गाइस बस आज भी इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो फिर मैं बनाऊंगा तो उसमें आप देख लीजिए, उसमें डेज इम्पोर्टेंट डेज सितंबर से लेकर फरवरी तक डिस्कस करूंगा और जो है इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और सिविल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जिसके हम डिस्कस करिए वो भी आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन है, जीके जीएस के भी क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी
देखो से आप लोग बीपीएससी जेपीएससी ये सब के लिए देख लीजिए, और भी सारे एग्जाम जो हैं एनटीपीसी हो गए हैं, बैंक हो गए हैं, सब सभी एग्जाम में ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। सो गाइस थैंक यू।